तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज हम ऐसी चीजें जानेंगे जिससे हमारी पढ़ाई थोड़ी इजी हो सकती है, वो आज थोड़ा जानेंगे समझेंगे, क्योंकि अभी तक हम स्टडी कैसे करते हैं, रट्टा लगाते हैं, वही हुआ ना, ज्यादातर हम क्या करते हैं, रट्टा लगाते हैं। तो आज हम थोड़ा ऐसी चीजें देखेंगे कि जिससे हमारी पढ़ाई थोड़ी इजी हो जाए। मेरा नाम भूमि शाह है, मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, यही एरिया से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन में मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, गुजरात पुलिस के साथ हमने 6 साल काम किया है, जिसमें इंटरनेट मोबाइल से जो भी क्राइम्स होते थे वो ट्रेसिंग हम लोग किया करते थे। इसके बाद साथ ही साथ मैंने अल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर, थेरापीज के अंदर मास्टरी किया हुआ है, और छोटी एज में बहुत सारी मैंने डिग्रीज ली हुई है। अब पढ़ाई मेरे लिए भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। एक तो यार मूवी अच्छी चल रही हो और पापा बोले पढ़ने बैठ जाओ, तो एक टाइम था जब इश्यू आता था, लेकिन कुछ ऐसे टेक्निक्स थी जिसमें मैंने सीख ली। तो जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के एग्जाम थी, तब गुजरात में 18 लोग सिलेक्ट हुए थे और वो 18 में से सेकंड नंबर्स पे मैं आया था और सिर्फ 8 लोग क्वालिफाइड हो गए थे। तो ये सारी एग्जाम्स देना थोड़ा इजी इसलिए हुआ कि मैं कुछ टेक्निक्स जानता था, वही टेक्निक्स मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंट्रोड्यूस करने के लिए आया हूँ। तो पढ़ाई में क्या क्या इश्यूज आते हैं, कोई बताएगा? पढ़ाई में क्या क्या इश्यूज आते हैं, आप लोग पढ़ाई करते हो ना? अच्छा, क्या क्या तकलीफें आती है? यस, ओके, फॉर्मूलास को समझना और उसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी प्रॉब्लम्स और आती है? अच्छा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती तो 100% रिजल्ट आता होगा ना, 100%। तो प्रॉब्लम्स तो कहीं ना कहीं आ रही होगी ना। और क्या क्या दिक्कत आती है पढ़ाई में? यस, हिस्ट्री, कब कौन आया था, क्या करके गया, साल इतने सारे होते कि हमें याद नहीं रहते, ठीक है। और ओके, और ठीक है, देखते हैं। हमने काफी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं साइंटिफिकली, हम मेडिटेशन करवा चुके हैं, मेंटली उनको बूस्ट कर चुके हैं, हर एज के स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं, काफी मेडल्स मैं इसमें ले चुका हूं। मैं आपको एक स्टोरी से कुछ समझाने की कोशिश करता हूं कि एक बंदा होता है, जंगल में रहता है, जंगल के फ्रूट्स खाता रहता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, जंगल्स के ऑलमोस्ट जो ट्रीज होते हैं वो सारे पानी में बह के चले जाते हैं। अब वो बंदा सोचता है मैं रह के करूँ तो क्या करूँ, खाने के लिए कुछ है नहीं, हर जगह पानी पानी है। तो थोड़ा चलते 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 सिटी की तरफ जाता है, तो सिटी में एक जगह पे जो ट्रीज को काटने वाली एक फैक्ट्री होती है, वहां पे जाता है, बात करता है, सर मुझे कुछ काम चाहिए, मेरी ये कंडीशन है। तो सर बोलते हैं ठीक है, मैनेजर ने बात किया, मैनेजर ने बोल दिया ओके आप पेड़ काटने का काम कर सकते हो। तो बंदे ने बोला ठीक है मैं कर लूंगा सर, तो ठीक है आप तो कल से काम पे आ जाइए, मैनेजर ने बोला। बंदा दूसरे दिन टाइम पे काम पे पहुंच गया, तो उसको एक कुल्हाड़ी दी गई कि वो कुल्हाड़ी से वो पेड़ काट सके, और बताया गया कि आपको यहाँ से पेड़ काटने का काम स्टार्ट करना है। वो बंदे ने कुल्हाड़ी ली, पेड़ काटना शुरू किया, पहले दिन 10 पेड़ काटे, दूसरे दिन 10 पेड़ काटे, तीसरे दिन 9 पेड़ हो गए, उसका एक दिन और गया 6 हो गए, एक और दिन गया 7 हो गए, एक और दिन गया 5 हो गए, मतलब ऐसे ऐसे करते करते कभी उसके जो रेशियो था 10 पेड़ वो काटता था, धीरे 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 नीचे आने लगा। मैनेजर ये चीज देख रहा था कि कभी उसका जो एक बेस हुआ करता था, पहले उसने बहुत अच्छा काम किया, 10-10 पेड़ काटता था, फिर उसका पता नहीं कभी कम चढ़ता है, कभी ज्यादा काट लेता है, पता नहीं क्या होता है। तो उसने समझ में नहीं आया कि क्या दिक्कत क्या है, वो बंदा परेशान, पूरा दिन परेशान कि मैं करूँ तो क्या करूँ, सुबह से पेड़ काट रहा हूँ, शाम तक पेड़ कटे नहीं जा रहे। अब धीरे धीरे एक ऐसा दिन आ रहा है कि 2 पेड़ ही कट रहे हैं पूरे दिन के अंदर, बंदे को कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और जो मैनेजर है वो वहां से उसी टाइम निकलता है और देखता है कि ये बंदा काम तो कर रहा है लेकिन उसका जो आउटपुट है वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो नहीं आ रहा है, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। तो बंदे से जाके बात की कि भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है?
आप पेड़ इतने कम काटते हो? तो बंदे ने रिप्लाई दिया कि सर मैं उतने ही बजे आता हूँ, उतने ही बजे जाता हूँ, उतनी ही मेहनत करता हूँ, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। मैं पहले 10 पेड़ काटता था, मैं उतने ही टाइम पे आ जाता हूँ, आज मैं उतनी ही ब्रेक लेता हूँ जितनी पहले लेता था, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हो रहा है, मुझे बहुत टाइम लगता है। मैनेजर को इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, उसको भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैनेजर ने उनको एक सजेशन दिया कि आप है ना एक पर्सन है, उससे जैसे बात करिए, वो काफी एक्सपीरियंस पर्सन है, वो आपको शायद आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। मैनेजर देखता था कि ये बंदा बहुत हेल्प काम करता है, वो हेल्पफुल है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, बहुत अच्छे से काम करता है, फिर भी उससे वो मेहनत नहीं हो पा रही थी, वो रिजल्ट्स नहीं आ रहा था। मैनेजर ने सजेशन दिया, बंदा दौड़ता हुआ वो इंसान से मिला, वो इंसान को काफी साल का एक्सपीरियंस था, और उसको जाके प्रॉब्लम बताई कि मैं इतने ही टाइम पे आता हूँ जितना पहले आता था, लेकिन आज मैं उतने पेड़ नहीं काट पा रहा हूँ। तो बंदा जो एक्सपीरियंस वाले जो एक बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने एक रिप्लाई दिया कि आप टाइम पे आते हो, टाइम पे जाते हो, लेकिन पेड़ काटने के बाद क्या करते हो? तो बंदे ने रिप्लाई दिया कि मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, फ्रेश होता हूँ, फिर दूसरा पेड़ काटता हूँ। तो वो जो बुजुर्ग एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, उन्होंने फिर से एक रिप्लाई दिया कि अच्छा, तब दूसरा पेड़ काटने के बाद क्या करते हो? तो बंदे ने सेम रिप्लाई दिया कि मैं ब्रेक लेता हूँ, पेड़ काटता हूँ। फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन कर लिया कि आप ब्रेक लेने के बाद पेड़ काटते हो, फिर क्या करते? फिर बोले मैं एक और ब्रेक लेता हूँ, वो चाहिए ना, थोड़ा ब्रेक तो चाहिए ना बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए। तो ठीक है, वो बंदे ने एक बार फिर पूछा कि आप चौथा पांचवा भी पेड़ काटते हो तो उसके बाद क्या करते हो? तो बोले आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं पेड़ काटता हूँ ब्रेक लेता हूँ, पेड़ काटता हूँ ब्रेक लेता हूँ, बस यही काम है मेरा। तो वो जो एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, उन्होंने एक सॉफ्ट टोन में बोला कि आप जब पेड़ काटते हो तो पेड़ काटने के बाद जो आपकी एक्स है, कुल्हाड़ी है, उसको शार्प करते हो, उसकी धार निकालते हो। सीधी बात है ना, जब धार निकालेंगे तभी दूसरा पेड़ काट पाएंगे। जब वो बंदे को पेड़ काटने के लिए उसकी जो एक्स है उसकी शार्पनेस की जरूरत पड़ती थी, उसको बार बार शार्प करना पड़ता था, उसी तरह से हमारे पास ये चीज है। हमारे पास दो एक्स होती है, एक फिजिकल एक्स है, दूसरा हमारा मेंटल एक्स है। एक फिजिकल एक्स मतलब हम बॉडी को फिट रखते हैं, बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्स वगैरह, बहुत सारी एक्टिविटीज फिजिकली के लिए करते हैं। हम मेंटल चीज के लिए क्या करते हैं? कुछ? ओके गुड, आप करते हो मेडिटेशंस? ओके गुड, वेरी गुड। ओके अच्छा, ये सबके पास है, चलो देखते हैं आज कितना एक्टिव है। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं ना उसको आपको कॉपी करना है, ओके डिट्टो कॉपी करना है। आपको ऐसे एग्जाम में तो हम बोलते नहीं कॉपी करो, लेकिन अगर आपका ब्रेन एक्टिव है ना तो आप कॉपी कर पाओगे। ठीक है, रेडी? आपको क्या करना है? ओके हो रहा है किसी से? फिर से समझाता हूं क्या करना है। हैंड को इस तरह से कर लो, ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड का थंब बाहर निकाल दो और दूसरे हैंड की फिंगर, ठीक है, अब इसको ऑपोजिट साइड में मूव करना है। देखो कितने लोगों का हो रहा है, सेम हा? नहीं हो रहा है ना? अच्छा, तो आप लोग सब है ना माइंड का यूज नहीं करते। ठीक है, हम देखते हैं आगे कि इसको कैसे यूज करना है, आगे देखते हैं। अभी आइंस्टाइन के हिसाब से, आइंस्टाइन एक चीज समझा के गए हम सबको कि हर एक माइंड जीनियस माइंड होता है, फिर भी एग्जाम्स में पढ़ाई में काफी टाइम क्या इश्यू होता है, एक दिन पहले तो हम बहुत पढ़ लेते हैं, दूसरे दिन एग्जाम में बैठे पहली लाइन ही याद नहीं आती, पहली लाइन याद नहीं आती या पीछे का कुछ याद नहीं आता। ठीक है, काफी टाइम क्या होता है कि एग्जाम तक हमें याद होता है, फिर उसके बाद याद नहीं। और कुछ ऐसी भी चीजें होती है वो शायद क्लास में एक बार हमने सुनी होगी, देखी होगी, बट एग्जाम में हमें पूरी याद रहती है, होता है ये सब, इसको भी हम समझते हैं।
तो ये चीज है हमारे पास जिसका हम बहुत अच्छे से यूज करते हैं पढ़ाई के अंदर, लेकिन हमें इसका नॉलेज नहीं होने की वजह से हम इसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। तो पहले हम इसको समझते हैं, ये चीज है क्या। ब्रेन, ब्रेन और माइंड हम दोनों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। हम एक चीज पकड़ते हैं दिमाग, ये चीज हमारे पास है, लेकिन ये हमने ऐसा वर्ड इसलिए दिया है कि आप लोगों को इजीली समझ में आए। इसके दो पार्ट हम करते हैं, एक ब्रेन और एक माइंड, दो पार्ट हम करते हैं। इसमें हम पहले ब्रेन को समझते हैं। हम जो याद रखते हैं वो एक्चुअल में हार्डवेयर की तरफ हम समझे, जैसे कंप्यूटर में दो चीज होती है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर आपका फोटो आपके मोबाइल में है और उसको स्क्रू ड्राइवर से मोबाइल को खोल देंगे तो फोटो मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर फंक्शन के अंदर सेव है, ठीक है, इसलिए वो मोबाइल खोलने से फोटो नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारा जब ये ओपन किया जाता है तब हमें ब्रेन मिलता है, माइंड नहीं मिलता, कहीं पर भी बॉडी में माइंड नहीं मिलता। उसी तरह से पूरे बॉडी के अंदर हमें नसें मिलती है, नाड़ियां नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जो हमारा हार्डवेयर फंक्शन है वो एक्चुअली हम जब याद रखते हैं तो ये हमारे न्यूरॉन्स के अंदर ज्यादातर सेव हो जाता है, ठीक है। और ये न्यूरॉन्स है वो एक्चुअल में इस तरह से वर्क करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तब हमारे न्यूरॉन्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो न्यूरॉन्स की मात्रा बढ़ती है, और ये ट्रिलियंस के अंदर होते हैं, बहुत सारे ट्रिलियंस के अंदर होते हैं। जब हम 15 साल 17 साल 18 साल होते हैं उसके बाद जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यू क्रिएट नहीं होते, एक एज के बाद न्यू क्रिएट नहीं होते हैं। ज्यादातर ऐसा रिसर्च पे जा रहे थे 12 साल के बाद ज्यादातर न्यूरॉन्स क्रिएट नहीं होते, लेकिन वो एक दूसरे के स्ट्रांग हो सकते हैं। हार्ड डिस्क देखिए, कंप्यूटर हार्ड डिस्क पढ़ाई में आप लोगों को आता होगा, उसमें कोई चीज सेव कैसे होती है? प्लेट्स घूमती है, तो हमारा एक सॉन्ग यहाँ पे सेव हुआ होगा तो एक सॉन्ग वो हार्ड डिस्क में कहीं और पे सेव हुआ होगा। यही चीज होती है हमारे माइंड के अंदर। मान लो कि आप कोई एक सम या एक कोई क्वेश्चन आंसर आप उसको प्रिपरेशन करते हो तो जरूरी नहीं है वो एक जगह सेव किया होगा, वो अलग अलग न्यूरॉन्स में सेव होता है, इसलिए आपको जल्दी से याद नहीं आता। जब हम बड़े हो जाते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं, तब आपने देखा होगा छोटे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं पढ़ाई से हमारा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि हमें न्यूरॉन्स से रिकॉल करना नहीं आता, हमें न्यूरॉन्स से जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमने स्कूल ट्यूशन में सीखा हुआ होता है, उसको रिकॉल करना नहीं आता। जब आप कोई भी वर्क करते हो तो वह इस तरह से वर्क होता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे न्यूरॉन्स को मैसेज पास ऑन करता है, तब जाके थोड़ा थोड़ा डेटा बन के आपका पूरा सम्स रेडी होता है। ये ब्रेन फंक्शन तो हम समझ गए, ये जो ब्रेन फंक्शन हम यूज करते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन अलग अलग वर्क करते हैं। इस वजह से हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है वो राइट बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट होता है, और राइट ब्रेन होता है वो लेफ्ट बॉडी पार्ट के साथ कनेक्ट होता है। आप लोगों ने अभी तक किया है या एक्सरसाइज मैंने बताई है वो इसलिए आप नहीं कर पाए क्योंकि आपके ब्रेन को इसका हैबिट नहीं है, ब्रेन को इसका हैबिट नहीं है। आप में से कितने लोग दोनों हाथों का यूज करते हो? हम ज्यादातर एक हैंड या लेफ्टी लेफ्टी यूज करेगा, राइटी राइटी यूज करेगा, तो क्या होगा, कोई एक साइड पावरफुल रहेगी दूसरी साइड वीक हो जाती है। अब हम इसको थोड़ा माइंड के साथ समझते, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दो चीजें हमारे पास रहती है। जब आप फोकस में रहते हो, जब आपका कंसंट्रेशन रहता है तब आप कॉन्शियस माइंड का यूज कर रहे हो, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता है, कई बार क्या होता है टीचर बोले जा रहे हैं और माइंड कहीं पे अलग, तो यहाँ पे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों वर्क नहीं करते। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी वर्क कर पाएगा जब आपका कॉन्शियस माइंड आपको सपोर्ट करेगा। अभी इन दोनों को हम थोड़ा डीपली समझते हैं। आपका जो विल पावर है, यस मैं इतने परसेंटेज ला ही सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, ये पढ़ाई मेरे लिए इजी है, या मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं होगा, जो भी है पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपको विल पावर डिसाइड करता है, आप उसकी मदद से ले रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड से होता है। आपने कई बार देखा होगा कोई लोग बीमार होते हैं लेकिन जल्दी ठीक होकर घर आ जाते हैं, उसका रीजन क्या है, उनका विल पावर स्ट्रांग है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम के कुछ टाइम पहले पढ़ाई करते हैं, बोलते मेरे परसेंटेज आ जाएंगे, और काफी टाइम तक उनके परसेंटेज आ भी जाते हैं, तो एक विल पावर वहां पे काफी हेल्प कर देता है। उसके बाद एनालिसिस,
आप जो भी कुछ एनालिसिस करते हो कॉन्शियस माइंड से करते हो, कोई भी डिसीजन, यस मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, एक्स वाई जेड डिसीजन, मुझे ये कलर पसंद है, मुझे वो कलर पसंद है, जो भी डिसीजन होता है वो आपका कॉन्शियस माइंड से होता है, लेकिन बिलीव्स होते हैं, ये तो ऐसा ही होता है। अगर बिल्ली निकलती है तो जाना नहीं चाहिए, बिल्ली ने रास्ता काटा तो हमें जाना नहीं चाहिए, जो हमारी मान्यता एज होती है वो सबकॉन्शियस माइंड से होती है, वैल्यूज जो हम क्रिएट करते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट करते हैं, इमोशंस हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड से क्रिएट होता है, हैबिट, किसी भी चीज को हैबिट बनाना सबकॉन्शियस माइंड से होता है। और पढ़ाई में जो सबसे ज्यादा हमें जो हेल्प करती है वो चीज होती है इमेजिनेशंस, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है, और इंट्यूशंस। आपको इंट्यूशंस कभी कभी आते होंगे, आप बुक पढ़ रहे होंगे और कभी कभी पता चल जाता होगा कि ये एग्जाम में आना चाहिए, और काफी स्टूडेंट सही भी होते हैं, वो एग्जाम में आ भी जाता है, ठीक है। तो ये हमारे इंट्यूशंस काम करते हैं। तो हम ब्रेन और माइंड के फंक्शंस को एक साथ यूज करेंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद रख पाएंगे। अभी तक क्या कर रहे हैं, हम बिना समझ के पढ़ाई कर रहे हैं, अब हम अपने आप को समझ के पढ़ाई करेंगे। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस होता है, लेकिन हमने समझाने के लिए यहाँ पे अनकॉन्शियस को ऐड किया है। जब भी आप फोकस करते हो तो आपका 10% फोकस इनफ होता है, आपको 100% याद रखने के लिए 10% फोकस आपका इनफ होता है, लेकिन वो कॉन्शियस माइंड आपका होना चाहिए। लेकिन हम बॉडी से तो है, क्लास में है, बट मन कहीं और है, तो ये चीज नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली उसको सुनते हो तो जितना भी आपने सुना है समझा है उसका 50-60% सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और 30-40% अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, यानी उसको आपको रिविजन करना पड़ेगा। हम इसको और एक एग्जाम्पल से बहुत इजी तरीके से समझते हैं। अब देखो, आप क्लास में जितना भी चीजें करते हो ना, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है कि आधी चीजें याद रहती है आधी चीजें याद नहीं रहती है। आप कभी भी व्हीकल पे घूमते हो, आप तो अपने घर से यहां तक आए, ब्रेन को या माइंड को कोई लोड पड़ा नहीं पड़ा ना, आप सीधा आ गए, आपको रास्ता पता था, सब जगह आ गए। अभी आपको अननोन जगह पे छोड़ दिया जाए और आपको आपके घर जाना है, ब्रेन और माइंड दोनों चीजों को लोड पड़ेगा, गूगल मैप करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, हम घर पे पहुंच जाएंगे। लेकिन जो माइंड में हमारा है हम उसको आसानी से कर सकते हैं। अब इसको एक और चीज समझते हैं, आप सब सब लोग घर से यहां पर आए, रास्ते में कितनी चीज आपने देखी होगी, व्हीकल्स, ठीक है, बहुत सारे चेहरे देखे होंगे, याद है कोई चेहरा, एक दो चार व्हीकल आपको याद रहेंगे, ज्यादातर बहुत सारे व्हीकल आपके आसपास से निकले होंगे, आपने देखे होंगे, बट सारे याद है नहीं याद है। आपका कॉन्शियस, आपका फोकस कहाँ था, आपका फोकस था यहां आने पे, तो आपने बहुत कम जगह पे ध्यान दिया, इसलिए आपको कम कम चीजें याद है, बहुत सारी चीजें छूट गई है। उसी तरह से जितना आपका फोकस है याद रहेगा, 10% to 50% आप याद कर सकते हो, और जो फोकस नहीं होता वो सारा चला जाता है अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, बहुत सारे पीपल्स आपके आसपास से निकले अनकॉन्शियस में चला गया, बहुत सारे फेसेस देखे, व्हीकल्स देखे, अनकॉन्शियस में चला गया। क्लास में क्या होता है, ज्यादातर हम आड़ोस पड़ोस में देखते रहते हैं, आगे पीछे देखते रहते हैं, ऊपर नीचे हर जगह ध्यान होता है, सर यहाँ पे बोल रहे हैं तो यहाँ पे फोकस कम होगा, लेकिन ऊपर छिपकली होगी तो छिपकली पे फोकस ज्यादा होगा, होता है ना ये, तो ये चीज क्या होती है, हमारा माइंड डाइवर्ट कर जाता है, इसलिए हम ये चीज पॉसिबल नहीं कर पाते। ओके अब हम थोड़े फंक्शंस को समझते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों अलग अलग है, जब आपको कोई भी चीज याद रखनी हो तो कंसंट्रेशन जरूरी है, लेकिन ये जो है ना मूवी पूरी याद रख सकता है, लेकिन एक चैप्टर याद रखना हो तो नहीं होता ना, नहीं होगा, ये नहीं है, इसका स्वभाव नहीं है, इसका स्वभाव ऐसा है मजदूरी की नहीं करनी है, इसको मेहनत नहीं करनी है, किसी का भी माइंड हो ये एक जगह पर सेट होता है, मेहनत नहीं करनी है।
ऐसे सब कुछ चलेगा। देखो मूवी देखने में क्या होता है, मजा आता है। हम 2 घंटे की मूवी 10 मिनट में किसी को बता देते हैं। आज भी आपको बहुत सारी मूवी की पूरी स्टोरी याद होगी डायलॉग्स के साथ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो मूवीज बनती है ना, उसमें आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों को यूज कर लिया जाता है। दोनों के इमोशंस होता है, फंक्शंस जो दोनों के होते हैं उसको यूज कर लिया जाता है। साइकोलॉजिकल मूवीज बनती है, इसलिए आपको याद रहती है। और पढ़ाई होती है ज्यादातर बोरिंग होती है, इसलिए वो कम याद रहती है। लेकिन हम कोई एक्टिविटी करते तो ज्यादा याद रहती है। हम कंप्यूटर सीखते तो थोड़ा जल्दी याद रहता है, बट उसी जगह हम साइंस और मैथ्स को ले लेते तो थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि हमने इसको ट्रेन नहीं किया। इसको देख लेते ही क्या क्या चीजें करता है। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन है ना, सबके पास है, लेके आए हो? कोई है जो घर पे छोड़ के आया है? हाथ ऊपर करो। अच्छा, सब लेके आए हो। एनालिटिकल थॉट्स लेफ्ट ब्रेन से आता है, आपके लॉजिक्स लेफ्ट ब्रेन से आता है, लैंग्वेज आपको कोई भी लैंग्वेज में यूज होता है लेफ्ट ब्रेन का यूज कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, वो थोड़ी टेक्निक्स हम देखते हैं आगे। रीजनिंग है, राइटिंग है, साइंस और मैथ्स। ज्यादातर जो राइटिंग होंगे ना, उसका साइंस और मैथ्स बहुत अच्छा हो सकता है। अगर उसको प्रॉब्लम है ना, तो डर निकाल दो। जो लेफ्ट हैंड से लिखता है उनका क्रिएटिविटी अच्छा होता है, जो राइट हैंड से लिखते हैं उनका लॉजिकल पावर अच्छा है। तो साइंस और मैथ्स वो इजीली याद रख सकते हैं। कभी कभी डर होता है मुझे नहीं करना या नहीं आता तो बात अलग है, लेकिन वो लोग इजीली साइंस और मैथ्स कर सकते हैं। नंबर्स इन लोगों को ज्यादातर याद रहता है, और राइट हैंड बहुत इजीली आप कंट्रोल कर सकते हो। सेम देखते हैं लेफ्ट हैंड में क्या होता है। समझे? लेफ्ट हैंड में क्या होता है? आर्ट एंड अवेयरनेस। कोई भी आर्ट आपके अंदर होती तो लेफ्ट हैंड जितने लोगों के पास ज्यादातर मूव करते होंगे, जो लेफ्टी होंगे उन लोगों आर्ट और अवेयरनेस होगी। देखो लेफ्टी जो लिखते होंगे ना, उनका ड्राइंग अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि राइटी लोगों का नहीं होगा, लेकिन हम कंपेयर करेंगे तो फिनिशिंग उसमें ज्यादा मिलेगी। क्रिएटिविटी नेचर उनका ज्यादा रहता है, साथ ही साथ इमेजिनेशन, इंट्यूनेशन, फिर हॉलिस्टिक्स नंबर्स, हॉलिटिक्स थॉट्स, इसे म्यूजिक अवेयरनेस, 3D फॉर्म्स, जो मैप्स होते लेफ्टी लोगों को ज्यादातर याद रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो लेफ्टी है वो लेफ्ट फंक्शन ज्यादा यूज करेगा, राइटी है वो राइट के फंक्शन ज्यादा यूज करेगा, ऐसा नहीं है। हम अपने ब्रेन का फंक्शन हर तरह यूज करते हैं। आप लेफ्टी हो, आप राइट ब्रेन ज्यादा यूज करते हो तो ऐसा नहीं है लेफ्ट ब्रेन का यूज नहीं कर पाओगे। आप राइटी हो तो जरूरी नहीं है आप राइट ब्रेन का यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन इन दोनों को एक साथ चलाना हमें सीखना पड़ेगा। तो मैंने जो आपको एक एक्टिविटी कराई अभी, जो आपसे नहीं हुई, वो एक्चुअली हमें दो हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज है। इसको ब्रेन जिम कहा जाता है, जो माइंड को थोड़ा थोड़ा हमें शार्प करने में मदद करता है। ऐसी और भी कहीं टेक्निक्स है, पहले हम वो भी देख लेते हैं, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे अपने दोनों माइंड का कंसंट्रेशन ला पाओ। जब तक कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक याद नहीं रहेगा। समझ में? अभी कंसंट्रेशन क्या है, साइकोलॉजी ये प्रूव करती है कि कोई भी इंसान फोकस को जो टाइम होता है वो ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट्स होता है, और सॉरी 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स होता है। ठीक है, तो इसमें कई बार हमारा फोकस चला भी जाता है, आ भी जाता है, लेकिन उसको हम ट्रेन करना पड़ेगा। देखो कोई चीज नहीं है, ये बहुत अच्छा है, चीज है, गॉड ने हमें गिफ्ट दी है, इसको हमें ट्रेन करना है। अभी तक जो था वो सही है, अब हम उसको ट्रेन करने के लिए एक कंसंट्रेशन एक्सरसाइज बताता हूँ। आप कभी भी पढ़ाई चालू करो, उससे पहले ये एक्सरसाइज कर सकते हो। अपने दोनों हाथों को ट्रेन करना है धीरे धीरे से। ये ज्यादा से ज्यादा एक दिन में आप लोग सीख पाओगे। ठीक है, इससे इजी एक एक्सरसाइज देखते हैं जो आप लोग अभी कर पाओगे। एक हाथ में 5 बनाना है, ठीक है, बनाओ आप मेरे साथ। दूसरे हैंड में 1 बनाना है। अभी इसको स्विच करना है, ठीक है, हो रहा है, इजी है। ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती है जो आप कर सकते हो। फिर एक और, ट्राई करो, हो जाएगा। ठीक है, एक और ट्राई करते हैं। आपके वन हैंड को फ्रंट वे में घुमाना है, मतलब बोर्ड साइड घुमाना है। मेरा बैक साइड घुमेगा, आपको बोर्ड साइड घुमाना है। ठीक है, और दूसरे हैंड को
अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, मतलब आपका आगे घूम रहा है तो पीछे घूमना है। ओके हो रहा है नहीं हो रहा है ना? अच्छा हम उल्टा भी घुमा सकते हैं, इट्स इजी, हमें खाली ट्रेन करना है। मैंने आपको जो एक्सरसाइज दिखाया आप घर पे आराम से करोगे, एक दो दिन में सीख जाओगे, डजंट मैटर। लेकिन ये एक्सरसाइज जरूरी है, जब एक पीरियड चेंज होता है तब क्या होता है हमारा मूड चेंज हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है वो टीचर आ गए, वो सब्जेक्ट ऐसा है पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। आप ये एक्सरसाइज करो, कॉन्सेंट्रेशन आपका बूस्ट अच्छे से हो जाएगा। रात को करो दिन में करो, ये ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके थॉट्स ब्लैंक कर देगी। अच्छा ये एक्सरसाइज कितने लोगों ने हार्डली किया, अच्छे से किसने किया एक्सरसाइज? भले नहीं आया तो चलेगा, आपके माइंड अभी कोई थॉट्स है कि ब्लैंक हो गया? ऑलमोस्ट आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, जब भी आप ये एक्सरसाइज करोगे आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि आपने दोनों पार्ट को यूज करना शुरू कर लिया इजीली। जब ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपका थॉट्स जीरो हो जाएगा, यही कॉन्सेंट्रेशन है, आपको हेल्प करेगा समझने में, हेल्प करेगा। काफी टाइम मैंने अभी कुछ चीजें आपको बताई कि काफी टाइम क्या होता है कि हमें फर्स्ट लाइन याद नहीं आती है, कभी सेकंड लाइन याद नहीं आती, कभी लास्ट का कुछ याद नहीं होता, हमें जो डेफिनेशंस होते हैं वो सब चीजें भूल जाते हैं। उसका एक मेन रीजन क्या होता है कि हमें प्रॉपर याद नहीं आना। तो जो मेमोरी किस तरह से काम करती है, पहले तो कोई भी चीज इंस्टॉल होनी चाहिए, हमारे पास एक फोन होता है, हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वो फोन मेमोरी या मेमोरी कार्ड में कहीं पे स्टोर होता है। तीसरा जब हम उसको जरूरत पड़ते हैं तब वो क्या करता है, डेटा रिकॉल करता है। सेम हमारे अंदर काम होता है, हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे अंदर इंस्टॉल्स होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 100% इंस्टॉल हो। सेकंड चीज क्या होती है कि वो स्टोर होना चाहिए, लेकिन हमने अगर जल्दी में पढ़ा है तो पहली दो लाइन भूल जाते हैं या पीछे की चार पांच लाइन भूल जाते हैं, तो इसका मतलब ये स्टोर नहीं हुआ है। तीसरा याद तो अच्छे से रहा है बट याद ही नहीं आ रहा है, पढ़ा अच्छे से 3-4 घंटे आपने पढ़ा है, घर पे पढ़ रहे हो पूरे के पूरा आपको याद है, आप बिना देखे लिख सकते हो उसको, लेकिन एग्जाम में बैठे तो याद नहीं आ रहा। इसका मतलब आपका रिकॉल नहीं हो रहा है, जहां पे आपका डेटा पड़ा है वो डेटा रिकॉल नहीं हो रहा है। फिर आपको किसी को जरूरत पड़ती कोई याद करवा दे या कोई फर्स्ट लाइन बता दे तो पूरा याद आ जाएगा, वो हमें नीड रहती है, उसका मतलब रिकॉल नहीं हो रहा है। तो ये तीनों की एक सिस्टम्स होती है, ट्रिक्स होती है, बिना समझे हम जब इसको करते हैं तो ये चीज हमें ज्यादा से ज्यादा फेस करनी पड़ती है। इसीलिए हिस्ट्री में ज्यादातर प्रॉब्लम होती है, महाराणा प्रताप का बर्थ होता है हम सिकंदर का लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, मैथ्स में भी ये मिस्टेक्स हो जाती है, हमें लिखवाना था इक्वेशन किसका और लिख देते हैं किसका, ठीक है, फॉर्मूलाज में ये चीज होती है। तो ये चीज को हमें इसको प्रॉपर यूज करना पड़ता है। अभी कोई एक नोट पेन पड़ा है किसी के पास? ओके आपके पास पड़ा है कोई एक लास्ट में पेज ले लीजिए। ओके ये सर को दे दीजिए, नहीं ऑन रखिए वो। अब हम यहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन करते हैं कि जल्दी याद कैसे रखना। आप सर उसको है ना 15 नंबर से इस साइड लगा दीजिए, 16-30 इस साइड लगा दीजिए, दो पार्ट कर दीजिए। तो ये नंबर्स के आगे वर्ड लिखे जाएंगे, वो वर्ड्स को मैं आपको रिमाइंड करके बता दूंगा कैसे उसको याद करना है, कौन से भी नंबर्स पे कौन सा वर्ड्स है वो आप कैसे भी पूछ सकते हो, ठीक है? इसको पीछे इसलिए रखा जाता है कि मैं देख ना सकूं। ओके हम इसको शुरुआत करेंगे, मैं आंखें बंद करके इसको इंस्टॉल करूंगा, सेव करूंगा, फिर उसको जब जरूरत पड़ेगी तो रिकॉल करूंगा। ये प्रोसेस मैं अभी करूंगा, ये कुछ मिनटों का प्रोसेस है 30 वर्ड्स को याद रखने का, जो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा रहा हूं। सर जब आपको मैं नेक्स्ट बोलूं
तब कोई भी एक वर्ड आपको बोलना है, इसमें लिखना, और वर्ड कोई भी दे सकता है, आप लोग भी दे सकते हो, ऐसा हो तो आप लोग हैंड्स अप करना, सर आपको पूछेंगे, पता देना, लेकिन वर्ड्स ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझ में आए, ठीक है। दूसरी चीज, ह्यूमन नेम नहीं होना चाहिए, कोई जगह का नेम हो सकता है, नंबर्स नहीं हो सकते, और कोई ह्यूमन नेम नहीं हो सकता, उसके बाद आप कोई भी वर्ड दे सकते हो, ठीक है सर। हाँ, फिलहाल आपको नंबर वाइज देना है, जब आप उसका टेस्ट लोगे मेरे से तब आप कोई भी नंबर से पूछ सकते हो, आगे से पीछे से कैसे भी करके, ओके ठीक वर्ड के लेटर को है। लिमिट्स नहीं ना, हाँ, वर्ड के लेटर्स की को लिमिट्स नहीं ना। नहीं, वर्ड ऐसा होना चाहिए जो मुझे समझ में आए और रियलिटी में होना चाहिए, ठीक है। फिर वो थ्री इडियट्स वाला नहीं, राजू और फरहान वाला, ठीक है, ऐसा नहीं, ओके। स्टार्ट करें, ओके। फर्स्ट वर्ड रिक्स मींस रिस्क रिस्क, ओके। नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट मेमोरी कोई एक, मेमोरी ओके ओके। नेक्स्ट इमेजिनेशन ओके, नेक्स्ट डॉग सो व्हाट, डॉग 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 ना, ओके। नेक्स्ट डेंजर डेंजर डेंजर, ओके ठीक है। अब इतना एक स्टोर करने में टाइम लगता है परफेक्टली, अब आप कोई भी आगे पीछे नंबर्स पूछे मैं इसका आपको वर्ड्स बता दूंगा, ठीक है। टेंथ हेरिटेज, ब्रेन ओके, टेक्नोलॉजी मेमोरी, सिक्स हिस्ट्री, नाइनटीन डेंजर, क्रिएटिविटी, फिजिकल, ट्वेंटी स्क्विरल, कोलकाता, लेमन, एटीन प्रेडिक्शन, फर्स्ट रिस्क, ठीक है। ये टेक्निक्स ऐसी है कि आप लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो, हाँ थोड़ा स्लो रहेगा बट आपको लॉन्ग टर्म तक इसको इजीली याद रख सकते, ठीक है, ओके। सर 2 मिनट लगेगा लाइट बंद करने में। कभी भी हमें मेमोरी का यूज करना है तो उसके लिए हमें सेंसेस यूज करना जरूरी है। जब तक आप सेंसेस यूज नहीं करोगे तब तक आपको याद इजीली नहीं रहेगा, हमें भूल जाने के चांसेस इसलिए रहते हैं कि हम टेम्पररी स्टोरेज कर लेते हैं अपने माइंड में, लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सेंसेस का यूज करते हैं तो ज्यादातर हम कोई भी चीज लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं। हमारे पास अनलिमिटेड टेराबाइट वाला हार्ड डिस्क है, डजेंट मैटर हम इसके अंदर कितना डाल रहे हैं, फर्क ये पड़ता है कि कौन से तरीके से हम पढ़ रहे हैं, कौन से तरीके से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 5 तरीके होते हैं हमें पढ़ने के, जिसमें से 1-2 तरीके ऐसे हैं जो कभी कभी काम आते हैं। और लर्निंग स्टाइल, हर किसी की लर्निंग स्टाइल अलग है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो क्लासरूम में बैठे हो और अचानक से बाजू में किसी की शादी का बैंड बजे, मूड में आ जाते हो, होता है ऐसे। जैसा सब लोग नहीं आएंगे, कुछ कुछ लोग आएंगे,
कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको कपड़े होते हैं, बुक्स होती है, इन सब का अच्छा लगता है, वो देखना अच्छा लगता है। किसी की बुक आप पीछे देखोगे ना तो कोई कुछ खराब नहीं होगा, सब पेज सही होंगे। कुछ कुछ बच्चे में क्या होता है, पीछे के पेज देखो, बहुत सारी चीजें भरी हुई होती है। तो ये सारी चीजें है ना, हमारा एक नेचर डिसाइड करता है कि हम कौन से तरीके में है। तो उसका एक प्रॉपर लर्निंग स्टाइल होता है VA के, विजुअल ऑडिटरी लर्निंग। आपका जो भी लर्निंग स्टाइल होता है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो आप ज्यादा टाइम तक कोई भी चीज उसको याद रख सकते हो। हम यहाँ पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं, वर्कशॉप की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, टाइम की इंफॉर्मेशन सर आपको बता देंगे, लेकिन इसमें आप क्या सीखोगे। अभी तक हम जितनी भी चीजें पढ़ी है वो क्या है कि हम लिखना, करना, बोर हो जाना, ये वर्कशॉप टोटली अलग है। इसमें आप हंसी मजाक करते करते याद कैसे रखते वो सीख लोगे, लंबे लंबे वर्ड्स कैसे याद रखना। जैसे हम शॉपिंग करने जाते तो लिस्ट बनानी पड़ती तो याद नहीं रहता, ऐसे स्कूल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसमें हम वर्ड में ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे हमारा शेड्यूल, पहली बार हम शेड्यूल लेते हैं जब नया ईयर स्टार्ट होता है तो शेड्यूल भी इजिली याद हम नहीं रख पाते। तो वर्ड टेक्निक से आप बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वर्ड सिक्वेंस में उसको याद रख सकते हो। बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, छोटे मोटे जो भी आंसर्स होते हैं आपको हार्ड लगते हैं, उसका प्रॉपर एक टेक्निक होता है जिसको याद रख सकते हो आप। साथ ही साथ अभी हम पूछे इंडिया में कितने कैपिटल्स है, हाँ जितने स्टेट है उतने कैपिटल्स, राइट, ठीक है, सब यार याद है नहीं है। तो ये सारी चीज आप सिक्वेंस में याद रख सकते हो, वर्ल्ड का सारा डेटा आप अपने माइंड में स्टोर कर सकते हो बहुत इजी टेक्निक से। और जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं उसमें से बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकल करेंगे यहाँ पर वर्कशॉप में ही। साथ ही साथ हमें टेक्निकल वर्ड्स और नंबर्स याद नहीं रहते, जैसे बड़े बड़े टेक्निकल नंबर नेम्स होते हैं वो याद नहीं रहते, तो जो टिपिकल नेम्स होते हैं जिसको याद रखना इजिली पॉसिबल नहीं है उसको कैसे हम याद रख सकते हैं। जैसे हम बढ़ते हैं, हमारा एक स्पेलिंग बनता है, साइकोलॉजी का स्पेलिंग बनता है लेकिन पी आता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है, बहुत सारे स्पेलिंग्स है जो हमें याद रखने में प्रॉब्लम्स आती है। तो वो सारे टेक्निक्स हम सीखेंगे जिससे हम उसको इजीली याद रख सके। एक दो बार याद रखोगे गारंटी एग्जाम तक याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हिस्टोरिकल ईयर्स, हमने पहले ही इसके ऊपर डिसाइड किया कौन कब आया क्या करके गया, बहुत सारे ईयर्स होता है एक सिलेबस के अंदर तो हम प्रॉपर याद नहीं रख पाते कि ये जो बंदा आया था कब वो अपने इंडिया में आया, कब वो बाहर का, जो हिस्टोरिकल जो पर्सन के नेम के साथ डेट के साथ आप पूरा इजीली उसको याद रख सकते। तो ये चीज भी हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करवाते हैं। कंस्टेंट स्टडी, हम कभी ज्यादा देर पढ़ नहीं पाते, एक घंटा दो घंटा हो गया हमें उठने को चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं 20 मिनट बैठे नहीं और उठे पानी पीने, थोड़ी देर बैठे नहीं उठे वॉशरूम ले लिए, और थोड़ी देर बैठे नहीं तो पता नहीं नींद आ गई भूख लग गई। तो यहाँ पे एक पूरा माइंड का सेटअप होता है आपके जिससे आप लंबा टाइम आराम से पढ़ सकते हो। 3-4 घंटे बैठ के पढ़ना है तो आपका माइंड आपको सपोर्ट करेगा, इतना फनी टेक्निक्स आपको देंगे, बोरिंग टेक्निक्स होगा इतना फनी टेक्निक्स होगा कि आपको पढ़ने में बहुत आराम मिलेगा और मजा आएगी पढ़ने में। इंग्लिश वोक्यूबुलरी आप पूरा याद कर सकते हो। यहाँ पे हम पूरा एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें हम फेस और उसके मोबाइल नंबर नेम सब याद रखेंगे। ज्यादातर क्या होता है, हम किसी को मिलते तो ऐसा लगता है कि इनको कहीं देखा है बट नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सोचते नाम याद नहीं आ रहा है। हम मेमोरी को इतना एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे, आप किसी के फेस को एक बार देखोगे उसका नाम भी याद रख सकते हो, मोबाइल नंबर भी याद रख सकते हो। ये प्रैक्टिकल भी हम यहाँ पे करेंगे। डेफिनेशंस को याद रखना है, इक्वेशंस को, फॉर्मूलास को याद करना है, ये भी आपको प्रॉपर टेक्निक्स दी जाएगी। साथ ही साथ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाना, जैसे हमने देखा लेफ्ट और राइट ब्रेन एक साथ में होगा तो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो उसकी ऐसी टेक्निक्स है तो जो आप स्कूल में भी यूज कर सकते हो विद इन अ सेकेंड्स, एक सेकेंड दो सेकेंड में आप इस टेक्निक्स को यूज करते हो और आपका कॉन्सेंट्रेशन आ जाता है। टीचर जो भी आपको समझाते हैं आप उसको 100% अपने अंदर इंस्टॉल कर पाओगे। फिर काफी टाइम क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, स्कूल में कुछ हो गया, लाइफ में कुछ हो गया, तो हम छोटे मोटे थॉट्स में नेगेटिव हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा आपको इस तरह से सिखाते हैं कि अपने आप को कैसे डेवलप करना, पढ़ाई में भी और लाइफ में भी। साथ ही साथ काफी लोगों को फियर होता है एग्जाम का कि मुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता, क्या पूछेंगे। तो
तो यहाँ पे आपको टोटली मेंटल डेवलपमेंट दिया जाएगा मेमोरी के साथ, जिसमें आप बहुत आसानी से, बहुत खुशी की तरीके से, मस्ती करते करते पढ़ लोगे। ओके ठीक है, आपको एक्स्ट्रा जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सर दे देंगे। ठीक है सर, आप में से किसी को कोई डाउट